ये कहानी एक ऐसे शख्स की है जो अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार और बहुत जुनून वाला व्यक्ति है। फिल्म शुरू होती है और हमें एक लेडी दिखाई जाती है जो किसी के बारे में बता रही होती है और कहानी फ्लैशबैक में चलने लगती है। ये रेनिल्स वुडकॉक है जो फैशन डिजाइनर है और बहुत रचनात्मक आकर्षण कपड़े बनाता है जो उसके जुनूनी और नियंत्रित व्यक्तित्व से मेल खाते हैं। रेनिल्स की एक डिजाइनिंग कंपनी है जिसमें कई औरतें काम करती है और इस कंपनी को उसकी बहन सिरिल संभालती है और वो रेनिल्स की सलाहकार भी है जो हर उन चीजों से उसे दूर रहती है जो उसके काम पर ध्यान लगाने से उसे रोकती है। हमें डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहां रेनिल्स नाश्ता कर रही होती है और उनके साथ एक लेडी होती है जिसका नाम जोहान है। जोहान रेनिल्स को कुछ डोनेट खाने को देती है और वो कहते हैं कि ये सब चीजें नहीं खानी है। उससे ये पता चलता है कि रेनिल्स अपने नाश्ते को लेकर भी काफी संवेदनशील है और बस अपने तरीके से बने हुए खाने ही उसे पसंद है। दोस्तों, ये सीन और कन्वर्सेशन बहुत कनेक्ट करेगी पूरी फिल्म में और रेनिल्स के कैरेक्टर को लेकर भी। अब जोहान कहती है कि तुम कहां खोए रहते हो रेनिल्स और मेरी तरफ गौर नहीं करते हो। रेनिल्स कहता है कि देखो, मैं सुबह सुबह किसी भी अनबन में नहीं पड़ना चाहता। इससे ये पता चलता है कि दोनों रिलेशनशिप में हैं, पर उनकी रिलेशनशिप ठीक नहीं चल रही होती है। अब एक लेडी कार से उतरती हुई दिखाई देती है जिसका नाम काउंटेस है और उसके लिए रेनिल्स ने एक ड्रेस बनाई है जिसे वो पहनकर दिखाती है जो उसे किसी पार्टी में पहननी होती है। पार्टी का सीन दिखाया जाता है और उसके बाद सिरिल और रेनिल्स को एक रेस्टोरेंट में दिखाया जाता है जहां वो डिनर कर रहे होते हैं और सिरिल उसे जोहान को लेकर बातें करती है, पर रेनिल्स कहता है कि उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है और उसे अपनी माँ की याद आ रही है। वो सपने में अपनी माँ को देखता है तो इस बातचीत से ये पता चलता है कि उसकी माँ मर चुकी है और रेनिल्स एक अंधविश्वासी व्यक्ति है जिसे मरे हुए लोगों की प्रेत पर यकीन होता है, पर सिरिल उसे अपने गांव जाने को कहती है। रात में वो वहां जाने के लिए निकल जाता है और सुबह रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां पर उसे एक लेडी वेटर दिखाई देती है जो वो नोटिस करता है और वो वेटर उसे देखकर स्माइल देती है और उसका ऑर्डर लेने के लिए आती है। ऑर्डर देने पर वो एक दूसरे से इंप्रेस होते हैं और जब वो वेटर रेनिल्स को उसका ऑर्डर देने आती है तो उसको एक पेपर देती है जिस पर लिखा होता है, उसके नीचे अपना नाम लिखा है और लिखा है कि एक भूखे इंसान के लिए। अब वो उसे रात के डिनर के लिए ऑफर देता है तो एल्मा उसे रात के डिनर के लिए हाँ कहती है। रेनिल्स उसे लेने के लिए आता है और वो अपने साथ डिनर लेकर जाता है जहां पर एल्मा उससे बहुत इंप्रेस होती है। रेनिल्स उससे उसकी माँ के बारे में पूछता है, कहता है कि क्या उनकी फोटो है तुम्हारे पास, तो एल्मा कहती है कि नहीं, पर एल्मा पूछती है कि क्या आपके पास है आपकी माँ की फोटो। इस पर रेनिल्स कहता है कि वो कोट के सीक्रेट पॉकेट में रख सकता है जैसे कि मैसेजेस, कुछ क्वाइंस और मैंने अपनी माँ का एक बाल वहां पर छुपा के रखा है, मैं उनके बिना एक भी कदम नहीं चल सकता हूँ। यहाँ पर पता चलता है कि वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता है। फिर एल्मा को वो घर लेकर जाता है जहां वो बताता है कि उसकी माँ ने उसे ये काम सिखाया था। फिर वो एल्मा को शादी की ड्रेस से रिलेटेड कुछ बातें बताता है जिससे लगता है कि रेनिल्स काफी अंधविश्वासी है। यहाँ पर एल्मा पूछती है कि क्या आपकी शादी हुई, तब वो कहता है कि मैं ड्रेसेस बनाता हूँ, अगर शादी करूंगा तो फोकस नहीं कर पाऊंगा। फिर वो कहता है कि जब हम इच्छाएं करने लगते हैं तभी रिश्ते टूटते हैं। दोस्तों, इससे ये पता चलता है कि रेनिल्स को रिश्ते में एक्सपेक्टेशंस पसंद नहीं है। फिर वो एल्मा को एक ड्रेस ट्राई करवाता है जो अभी पूरी नहीं बनी है। फिर वहां सिरिल आ जाती है और एल्मा को माप लेने के लिए उसकी हेल्प करने लगती है। यहां पर एल्मा अनकंफर्टेबल होती है। दोस्तों, यहां से ये पता चलता है कि वो रेनिल्स को पसंद करने लगी है और ये बात सिरिल नोटिस करती है। और फिर एल्मा और रेनिल्स साथ में घूमते हुए दिखाई देते हैं जहां रेनिल्स कहता है कि ऐसा लगता है कि मैं कई दिनों से तुम्हें ढूंढ रहा था, तो एल्मा कहती है कि मैं मिल गई, अब आगे जो कुछ भी करें मन लगाकर करेंगे। फिर दोनों डिनर पर जाते हैं जहां सिरिल भी आती है तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी पसंदीदा क्लाइंट से बात कर रही थी, बारबरा रोज शादी कर रही है। और उसके बाद दो लड़कियां आती हैं जहां वो रेनिल्स की बनाई ड्रेसेस की तारीफ करती हैं। इसके बाद एल्मा और रेनिल्स एक दूसरे के करीब आ जाते हैं। दूसरे दिन नाश्ते की टेबल का सीन दिखाया जाता है जहां एल्मा अपने अकॉर्डिंग नाश्ता कर रही होती है और इससे रेनिल्स इरिटेट होकर वहां से चला जाता है। फिर दिखाया जाता है कि रेनिल्स एक ड्रेस बनाता है जिस पर कीमती लेसेस लगे हैं जो बाहर से खरीद कर लाया था वो। फिर उस ड्रेस के नीचे एल्मा का नाम लिखता है वो। दोस्तों, हर ड्रेस के नीचे रेनिल्स कुछ ना कुछ मैसेजेस लिखता था और ये सिर्फ रेनिल्स ही अपनी ड्रेस के साथ ऐसा करता है। फिर रेनिल्स और एल्मा का फोटोशूट होता है। दूसरी रात एल्मा रेनिल्स के कमरे में जाना चाहती है पर वो वहां पर काम कर रहा होता है और कहता है कि मैं बिजी हूँ। और तभी सिरिल दिखाई जाती है जो चाय की ट्रे लेकर रेनिल्स के रूम में चली जाती है। फिर रेनिल्स की बनाई हुई ड्रेसेस की प्रदर्शनी होती है जहां मॉडल्स ड्रेस पहनकर कमरे में बैठे लोगों के पास जाती है। एल्मा भी ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है तो रेनिल्स उसे डोर के होल से देख रहा होता है। फिर डिनर पर जाने के लिए कार में दोनों बैठते हैं और रेनिल्स ड्राइव नहीं कर पाता है और इस पर एल्मा
ड्राइव करने को कहती है और रेनल्स की तबीयत खराब होने लग जाती है और तब एल्मा उसका ख्याल रखती है। फिर रेनल्स अपने गांव के घर में जाकर ड्रेस बनाता है, जहां एल्मा बिना बोले चाय की ट्रे लेकर जाती है और रेनल्स इससे इरिटेट होकर कहता है कि क्यों बिना मांगे चाय लेकर आई हो। फिर वो उससे जाने के लिए कहता है। एल्मा मशरूम लेने के लिए जंगल में जाती है, जहां उसे जहरीले मशरूम के बारे में पता चलता है। किचन में काम करने वाली एक लेडी उससे बताती है कि मिस्टर वुडकॉक को ज्यादातर बटर पसंद नहीं है। फिर नाश्ते के टेबल पर सिरिल रेनल्स से कहती है कि बारबरा तुम्हें अपनी शादी में बुलाएगी तो उसका इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेना। रेनल्स थोड़ा डिस्टर्ब हो जाते हैं और कहते हैं कि उसे सिरिल ये बातें क्यों बता रही है, जिस पर सिरिल कहती है कि यहां का खर्च वो ही देती है। फिर दिखाया जाता है कि वहां बारबरा आती है, जिसके लिए रेनल्स ने एक ड्रेस तैयार की है और बारबरा उसे ट्रायल करती है और कहती है कि तुम मेरी शादी में आओगे ना रेनल्स। फिर शादी का सीन दिखाया जाता है जहां रेनल्स और एल्मा साथ गए होते हैं। फिर बारबरा बहुत शराब पीने की वजह से बेहोश हो जाती है, जिसकी वजह से उसे ड्रेस का ख्याल नहीं रहता है और ड्रेस बुरी हालत देखने के बाद एल्मा को बारबरा पे गुस्सा आता है, जिस पर रेनल्स उसे बारबरा के कमरे में लेकर जाता है, जहां बारबरा वही ड्रेस पहनकर सो रही होती है और रेनल्स एल्मा को ड्रेस लाने को कहता है, जहां एल्मा जाकर ड्रेस निकाल लेती है और वो दोनों बाहर आ जाते हैं और एक दूसरे के साथ बहुत खुश होते हैं। फिर एक दूसरे को किस करते हैं और फिर नाश्ते की टेबल का सीन दिखाया जाता है, जहां एल्मा के लिए रेनल्स का बिहेवियर बदल गया होता है। कंपनी में राजकुमारी आती है, जो अपनी शादी के लिए ड्रेस बनवाना चाहती है। राजकुमारी के साथ रेनल्स को देखकर एल्मा को जलन होने लग जाती है। वो राजकुमारी को उनकी शादी के लिए शुभकामनाएं देती है। उसके बाद एल्मा सिरिल के कमरे में जाती है। वो कहती है कि रेनल्स को सरप्राइज देना चाहती है। वो जब थर्सडे को रेनल्स वॉक करने के लिए जाएंगे, तब एल्मा उनके लिए डिनर बनाएगी और उनका इंतजार करेगी और वो कहती है कि वहां पर बस वो और रेनल्स ही रहेंगे, बाकी कोई नहीं। पर सिरिल को ये आइडिया पसंद नहीं आता है। वो कहती है कि तुम कुछ और सोचो, उनका बर्थडे नहीं है तो तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, कुछ और सोचो एल्मा। पर एल्मा ऐसा ही करना चाहती है, तो बाकी सभी लोग चले जाते हैं और सिरिल भी खुद चली जाती है। एल्मा डिनर बनाती है और तैयार होकर रेनल्स का इंतजार करती है। जब वो आता है तो उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है, तभी उसे एल्मा दिखाई देती है। तो वो एल्मा से पूछता है कि सिरिल कहाँ है। वो कहती है कि वो चली गई। फिर वो कहता है कि क्या हो रहा है, तो एल्मा कहती है कि ये एक सरप्राइज है। फिर रेनल्स नहाने के लिए कहता है और एल्मा की ड्रेस के बारे में पूछता है। फिर एल्मा के ड्रेस की तारीफ करके डिनर के लिए आता है, जहां एल्मा के सवालों से वो इरिटेट हो जाता है। एल्मा फिर डिनर निकालती है, पर रेनल्स को अच्छा फील नहीं होता। दोनों के बीच बहस होती है। वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें ये सब अच्छा नहीं लगता तो तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए, तुम जहां से आई हो वहां वापस चली जाओ। एल्मा गुस्से से वहां से निकल जाती है। फिर वो पहला सीन दिखाया जाता है जहां एल्मा कहानी सुन रही है और वो कहती है कि कई बार उन्हें शांत करना जरूरी हो जाता है। फिर दूसरे दिन का सीन दिखाया जाता है जहां एल्मा किचन में किताब देख रही होती है और वो उन जहरीले मशरूम के बारे में पढ़ रही होती है, जिसके बारे में किचन में काम करने वाली लेडी ने उसे बताया था। वो मशरूम को घिसकर रेनल्स के नाश्ते में मिलाती है। डाइनिंग टेबल का सीन दिखाया जाता है जहां सिरिल रेनल्स से कहती है कि क्या मैं एल्मा को जाने के लिए कहूं, पर वो मना कर देता है। फिर वो काम करने लगता है और राजकुमारी की ड्रेस बनाने लगता है, पर उसे अच्छा फील नहीं होता। फिर वो ड्रेस देखने के लिए जाता है और ड्रेस को लेकर गिर जाता है। सभी उसकी मदद करते हैं। वो लड़खड़ाते हुए अपने कमरे में जाता है और उसके पीछे पीछे एल्मा भी जाती है। उससे उल्टी होने लग जाती है। तभी सिरिल के कमरे में जाकर लेडी वर्कर्स उसे बताती है कि मिस्टर वुडकॉक की तबीयत खराब हो गई है और वो अचानक गिर गए हैं, ड्रेस खराब हो चुकी है। इधर एल्मा रेनल्स के कमरे में होती है, वो उसकी हेल्प करती है। सिरिल उसे देखने के लिए पहुंचती है और कहती है कि कहीं तुमने कुछ उल्टा फुल्टा तो नहीं खाया। इस पर वो कहता है कि उसने वही खाया है वो जो रोज खाता है। वो डॉक्टर को बुलाने के लिए कहती है, पर रेनल्स मना कर देता है। सिरिल वहां से चली जाती है। लेडी वर्कर्स दोबारा ड्रेस को तैयार करने लगती है। इधर एल्मा रेनल्स की देखभाल करने लगती है। रेनल्स अपनी तबीयत को लेकर काफी मायूस होता है। सिरिल दोबारा रेनल्स के कमरे में आती है और वो एल्मा से पूछती है कि डॉक्टर आए, तो एल्मा नहीं कहती है। फिर वो डॉक्टर को दिखाने की बात कहती है, पर एल्मा मना कर देती है, जिस पर सिरिल एल्मा को ऑर्डर देकर नीचे आने को कहती है, जहां डॉक्टर हार्डी उनका इंतजार कर रहे होते हैं। डॉक्टर हार्डी उसे मिसेस एल्मा कहते हैं और रेनल्स की तबीयत के बारे में पूछते हैं, पर एल्मा कहती है कि वो ठीक है। फिर वो रेनल्स की जांच करने को कहते हैं, पर एल्मा कहती है कि वो पहले से बेहतर है। पर सिरिल डॉक्टर को लेकर रेनल्स के कमरे में जाती है। वहां रेनल्स डॉक्टर को जाने को कहता है और बुरा बर्ताव करता है और डॉक्टर बिना जांच किए वहां से चला जाता है।
फिर सिरिल उसे वहां से लेकर जाती है जहां ड्रेस बन रही होती है। वहां एल्मा पिंस में रेबन लगाती है जहां उसे मैसेजेस लिखा मिलता है जिसे वो हटा देती है। फिर रेनेस को दिखाया जाता है जो हेलुसिनेशन करने लगता है अपनी माँ के बारे में। वो अपनी माँ को अपने सामने खड़ा इमेजिन करता है और बातें करता है। और फिर उसी वक्त वहां पर एल्मा आ जाती है और उसका बुखार चेक करती है और कहती है कि आपका बुखार उतर गया है। फिर वो वहां से चली जाती है। अगली सुबह रेनेस ठीक फील कर रहा होता है और वो अपने कमरे के बाहर आता है जहां ड्रेस होती है और वो वहीं सोफे पर सो रही होती है। वहां वो अल्मा से कहता है कि मुझे कोई काम करना है, मेरे पास वक्त नहीं है। उसे वो कहता है कि मुझे एक शाप को तोड़ना है और उसी शाप के बारे में बात कर रहा होता है जिसके बारे में हेलुसिनेशन करते वक्त अपनी माँ से वो कहता है। जब एल्मा उससे मिली थी तब उससे शादी से लेकर रिलेटेड कई अंधविश्वास के बारे में उसने बताया था, जिससे वो ये कहा था कि जो भी अभी शादी की ड्रेस बनाता है या उसे टच करता है तो उसकी शादी नहीं होती है। सिरिल की भी शादी नहीं हुई थी। उसको हमेशा से ये अंधविश्वास परेशान करता है। अब वो एल्मा से शादी करने को कहता है और उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है। फिर दोनों एक पार्टी में जाते हैं जहां उन्हें डॉक्टर हार्डी मिलते हैं और उस पार्टी में रेनेस और एल्मा के बीच तनाव हो जाता है और वहां से एल्मा गुस्से से बाहर निकल जाती है। उसके बाद एल्मा और रेनेस को साथ दिखाया जाता है जब वो ये कहती है कि उसे न्यू ईयर ईव पर जाना है और उससे चलने को वो कहती है, पर रेनेस मना कर देता है तो एल्मा वहां से गुस्से में चली जाती है। रेनेस परेशान हो जाता है और वो भी उसके पीछे पार्टी में जाता है जहां पर एल्मा भीड़ की वजह से अनकंफर्टेबल हो जाती है और रेनेस उसे खोज रहा होता है। फिर एल्मा उसे एक जगह अकेली खड़ी मिलती है और उसे घर लेकर जाता है वो। फिर अगली सुबह काम करने की कोशिश करता है और मिसेस वॉन का ड्रेस ट्रायल चल रहा होता है। वहां पर उसका मन नहीं लगता है। वो सिरिल के कमरे में जाता है जहां उसे नाराज होता है वो कि उसकी एक क्लाइंट बाहर से ड्रेस क्यों बनवाने लगी है। तो सिरिल कहती है कि वो फैशनेबल कपड़े चाहती है। इस पर रेनेस को बहुत गुस्सा आता है क्योंकि वो पारंपरिक कपड़े बनाता है। वो कहता है कि मैं रिजेक्ट नहीं होना चाहता हूँ। तभी वो एल्मा को कहता है कि मैं उसकी वजह से अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा हूँ और उसके होने से मेरे जीवन में काला साया सा छा गया है। और उसे पता नहीं होता है कि एल्मा ड्रेस के इन्फॉर्मेशन देने के लिए उसे पीछे ही खड़ी होती है। उसके ऊपर वो चिल्ला देता है और वहां से वो उठकर चला जाता है। और एल्मा को दिखाया जाता है कि वो जहरीले मशरूम लेने गई है। किचन में मशरूम वो काट रही होती है तो रेनेस उसे देख रहा होता है। वो एक्स्ट्रा बटर की मशरूम में ऑमलेट बनाती है और रेनेस सब कुछ करते हुए उसे देख रहा होता है। और एल्मा उसे खाने को देती है। उसी तरह से वो काम करती है जिससे रेनेस इरिटेट होता है। रेनेस आराम से नाइफ से एक बटर काटता है और उसे खाने लगता है। और उसे खाता हुआ देख कर एल्मा कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप लेटे रहे, मजबूर, लाचार, बेसहारा, और सिर्फ मैं आपकी मदद कर सकूं। आप मरना चाहेंगे, मैं आपको मरने नहीं दूंगी, आपको फिर से स्ट्रांग बना दूंगी। रेनेस कहता है कि इससे पहले मेरी तबीयत खराब हो जाए मैं तुम्हें किस करना चाहता हूं। और फिर बाथरूम का सीन दिखाया जाता है जहां रेनेस को उल्टियां होती है और वो कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें उस डॉक्टर को बुला लेना चाहिए, उसकी जरूरत होगी। अब वही प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहां एल्मा डॉक्टर से सब कुछ बता रही होती है और वो कहती है कि मैंने भविष्य को देखा है जिसमें सब कुछ ठीक है। फिर रेनेस और एल्मा को दिखाया जाता है जिसमें दोनों साथ हैं और उनका एक छोटा बच्चा भी है। सिरिल भी उनके साथ है और एल्मा रेनेस को उसके ड्रेसेस की देखभाल कर रही है। और यहां पर फिल्म खत्म हो जाती है। फैंटम थ्रेड 2017 की मूवी है। इस फिल्म का बजट था $35 मिलियन और इस मूवी ने $47 मिलियन कमाए थे। इस मूवी की IMDb रेटिंग 7.4 आउट ऑफ 10 है। यह मूवी म्यूजिक के लिए भी जानी गई है। इस मूवी का म्यूजिक जॉनी ग्रीनवुड ने किया था और उन्होंने ही There Will Be Blood मूवी का भी म्यूजिक किया है। ये मूवी में ड्रेस डिजाइनर वुडकॉक का कैरेक्टर अमेरिकी फैशन डिजाइनर चार्ल्स जेम्स से प्रभावित है और इस मूवी में अपने कैरेक्टर की तैयारी करने के लिए लीड एक्टर डैनियल डे लुइस ने एक साल तक मार्क हैपल के अंडर में रहकर ड्रेस मेकिंग को सीखा था। 2018 के अकेडमिक अवार्ड ऑस्कर में बेस्ट एक्टर इन द लीडिंग रोल के लिए डैनियल डे लुइस और बेस्ट एक्ट्रेस इन सपोर्टिंग रोल के लिए लेस्ली मैनविल का और बेस्ट पिक्चर के लिए पॉल एंडरसन और मैगिन एलिसन का नाम नामांकन हुआ था। और इस मूवी के लिए बेस्ट कॉस्ट्यूम डिजाइनर के लिए मार्क ब्रिज को ऑस्कर मिला था। फैंटम थ्रेड की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।